जनाब रिजा ज़ादे साहब लिफ्टर हैं, वजन उठाते हैं। और कमाल यही है कि इनके मुकाबले में आने वाला कहता है 200 किलो उठाएंगे तो ये कहते हैं 400 किलो उठाएंगे, वो कहता है 400 किलो उठाएंगे तो ये कहते हैं 800 किलो उठाएंगे। और देखिए आज तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पर यूट्यूब पर इनकी वीडियो देखी जाओ, ये वजन उठाते हैं तो उससे पहले इनके लब हिलेंगे। ये कुछ पढ़ते हैं? पूछा गया हुजूर आप क्या पढ़ते हैं, तो कहा हम वजन उठाने से पहले बस कहते हैं या अबल फजलिल अब्बास अदरिकनी, ये आका अब्बास हमारी मदद को आइए। फिर उसका वजन कितना भी वजनी हो वह बिल्कुल नर्म हो जाता है, हल्का हो जाता है, आसानी के साथ हम उसे उठा लिया करते हैं। अपनी अपनी अकीदत है अतीजान ईमान। तो इतने बड़े वेट लिफ्टर से पूछा गया हुजूर ये बताइए कोई कितने किलो का वजन उठा ले तो उसे पहलवान कहा जाए। तब दुनिया तो समझ रही थी कि ये कहेंगे 1000 किलो, 1500 किलो, 2000 किलो, लेकिन ये है अली का चाहने वाला, जिसने अली के मकतब से दर्श लिया है, इसकी निगाह अली के जुमलों पर है, अली की जंगों पर है, पता है कि अली फातह जिहादे असगर भी हैं और अली फातह जिहादे अकबर भी हैं। तो जब पूछने वालों ने पूछा और सब सोच रहे थे कि ये यही कहेंगे 1000 किलो 2000 किलो, लेकिन सबकी हैरत पर और सबके ताज्जुब में और इजाफा हो गया जब रजा दादे ने कहा सुनो अगर मुझसे पूछते हो कि पहलवान किसे कहा जाएगा कितना वजन उठाने के बाद, तो मेरी निगाह में जो पहलवानी का मेयार है कि कौन कितना वजन उठा ले, सुनो मेरी निगाह में पहलवान वो नहीं जो 500 किलो उठा ले, जो 1000 किलो उठा ले। कहा फिर कौन है? कहा सुनो ठंडक का जमाना हो और कोई बिस्तर पर सो रहा हो और उसके जिस्म पर जो कंबल पड़ा है वो 500 ग्राम का या 1 किलो का, सुबह की अजान हो वो अपने कंबल को हटा दे, खुद को मुसल्ले इबादत तक पहुंचा दे, तो मेरी निगाह में उसे पहलवान कहा जाए। जो 1000 किलो उठाए, जो 2000 किलो उठाए, उसे पहलवान नहीं कहा जाए, बल्कि सर्दी के जमाने में जो उसने कंबल ओढ़ रखा है उसे हटा दे और अपने आप को मुसल्ले इबादत तक पहुंचा दे तो उसे पहलवान कहा जाए। ये है ख्वाहिशात नफ्स को तर्क करना। जिसने भी ख्वाहिशात नफ्स को तर्क कर दिया वो मुसीबतों से निजात पा गया।